दोस्तों आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। देखिए छोटी मछली शिकार करने के समय ग्राउंड बेट किस तरह से दिया जाए ताकि कम समय में ज्यादा मछली का शिकार हो। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे मैंने ग्राउंड बेट दिया और किस तरह से ज्यादा मछली इकट्ठा हुई। तो दोस्तों ये तरीका जो है रुके हुए पानी में इस्तेमाल किया जाता है, चलते हुए पानी में नहीं। रुका हुआ पानी जहाँ पे है वहाँ पर इस तरीका को इस्तेमाल करेंगे, इसका ख्याल कीजिएगा। यानी ठहरा हुआ पानी या बिल्कुल स्लो चल रहा है वहाँ पर ये तरीका इस्तेमाल कीजिएगा और ज़्यादा गहराई में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये तरीका जो है बड़ी मछली के लिए ज़्यादा कारगर नहीं है। छोटी मछली जैसे पोठिया, चेलवा, डेढ़वा मछली, गर्दी मछली, इस तरह की मछलियों के लिए है। तो आइए दोस्तों मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ ये कितना कामयाब है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने ये ग्राउंड बेट तैयार किया है और इसको पानी के टॉप लेवल पर लगा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे कि यहाँ मछली इकट्ठा हो रही है और कैसे इस चारा को खा रही है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस ग्राउंड बेट में हमने क्या चीज़ इस्तेमाल किया है। आप भी उसी उसी तरीका से ग्राउंड बेट बनाने के लिए चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब देखिए धीरे धीरे मछली यहाँ पर आ रही है। आप पानी के नीचे लेवल पर देखेंगे आपको गोल्डन कलर का मतलब चमक दिखाई देगा। तो नीचे बड़ी मछली है, बड़ी पोठिया मछली और गर्दी मछली है, पीला सा चमक दिखाई देगा आपको, जैसे सूरज का किरण होता है उस तरह से चमकता हुआ दिखाई देगा। जड़ में देखिए दोस्तों तो यहाँ पर बहुत सारी मछली आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ग्राउंड बेट के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल किया था। अभी देखिए ये टॉप लेवल से हमारा ग्राउंड बेट खिसक करके, जो लकड़ी में हमने लगाया था, खिसक करके पानी के अंदर जा रहा है। तो दोस्तों आपको टॉप लेवल पर नहीं लगाना है, मैं वीडियो में दिखाने के लिए, देखिए किस तरह से मछली बहुत सारा इकट्ठा हुई है, तो वीडियो में दिखाने के लिए मैं इसको टॉप लेवल पर लगाया हूँ। आप पानी के टॉप लेवल से कम 1 फुट नीचे रखिएगा ग्राउंड बेट ताकि मछली वहां इकट्ठा हो जाए और फिशिंग हुक जो है वो पानी का टॉप लेवल से 1 फुट या उससे थोड़ा नीचे रखिएगा ताकि मछली आसानी से शिकार में आ जाए। दोस्तों तो देखिए यहाँ पर किस तरह से मछली है। दोस्तों इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है गेहूं का आटा, सोयाबीन और उसमें हमने मिलाया थोड़ा सा मुर्गी का अंडा। दोस्तों ये तीन चीज़ जो है कामयाब है। अगर आप गेहूं के आटा के जगह पर ब्रेड या मैदा का इस्तेमाल करेंगे तो और तेज़ी से मछली का शिकार होगा। तो दोस्तों ये ग्राउंड बेट आप देखिए और एंजॉय कीजिए और अच्छा लगेगा तो इसको ज़रूर कमेंट करके इस वीडियो के बारे में बताइएगा दोस्तों, और एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको फ़ायदा पहुँचता है तो वापस आकर के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों सुंदर बिहार देखने के लिए धन्यवाद। आप देखिए इस वीडियो को आखिर तक कि किस तरह से यहां मछली इकट्ठा हुई और कैसे इस चारा को खा रही है।